भारत के सबसे अमीर आदमी अदानी, आखिर अदानी गरीब क्यों हो रहे हैं? क्या ये सच है? और क्या आप जानते हैं कि अगर अदानी डूबे तो बहुत लोगों को ले डूबेंगे सनम? आखिर इंडिया के न्यू हीरो अदानी के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट की वजह से 118 बिलियन डॉलर का नुकसान अभी तक अदानी के ग्रुप को हो चुका है। इतने में तो देश बिक जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आखिर हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग की बात करें तो हिंडनबर्ग कंपनी स्टार्ट हुई थी 2017 में। इसको स्टार्ट किया था नेथन नेट एंडरसन ने। ये प्रोफेशनली यानी कि पेशे से तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी CFA और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट यानी CAIA है। क्या समझ में नहीं आया? अगर हम आसान भाषा में समझाएं तो ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि लोगों के पैसों को समझना कि वो पैसा कहाँ लगाकर क्या और कैसे ग्रो कर रहे हैं। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंस के बारे में रिसर्च करना। ये कंपनी सुई में धागा बिना देखे डाल देती है, मतलब इनका काम सुई में धागा डालने का नहीं। ये दावा करती है कि ये फाइनेंस के उन रिपोर्ट को ढूंढ निकालती है यानी कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यानी रिसर्च कंपनी भी नहीं कर पाती, मतलब अनकवर हार्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ टिपिकल सोर्सेस। एंडरसन हिंडनबर्ग के फाउंडर ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। ये इसराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर का काम कर चुके हैं। फिर बाद में इन्होंने अमेरिका मूव किया जहाँ से इन्होंने अपने फाइनेंस के ज्ञान की शुरुआत करी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से शुरू करा और फिर इन्होंने किया चालू खुद का स्टार्टअप जिसका नाम हिंडनबर्ग रखा। इनके नाम के पीछे भी एक फैक्ट है। ये नाम 1937 यानी 1937 में हुई एक घटना, उस टाइम पर एक प्लेन होता था हिंडनबर्ग नाम का। ये कोई एरोप्लेन नहीं बल्कि एयरशिप थी। हिंडनबर्ग की इस एयरशिप पर आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। उस टाइम की ये बहुत ही फेमस घटना है क्योंकि इसकी पिक्चर भी क्लिक करी गई थी। एंडरसन इस घटना को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये सब मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव द्वारा करी हुई घटनाएं हैं, इसलिए वो स्टॉक को इन सभी घटनाओं से रोकना चाहते हैं। हिंडनबर्ग ना सिर्फ फाइनेंस रिसर्चर है बल्कि वो एक्टिविस्ट भी है, यानी ये दुनिया की भलाई के लिए जासूसी करते हैं। जासूसी को ये अंजाम देते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए ताकि लोगों का नुकसान बच सके। आखिर ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है तो चलिए समझते हैं। नॉर्मली जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको भी पता है कि एक डे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है। बट बेसिकली लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अब मान लो उन्होंने 100 रुपये लगाए हैं तो उसको वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म पे 200, 2000, वो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें लॉस की लिमिट होती है। आप 100 से 0 पे जा सकते हैं लेकिन 0 से माइनस में नहीं। और अब हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो शॉर्ट सेलिंग इसका पूरी तरह से अपोजिट है, यानी शॉर्ट सेलिंग में आपकी लिमिट नहीं है। वो -0 भी होगा, -1 भी होगा, -100 भी होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस झेल दे है। हिंडनबर्ग यही करती है। शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना इलीगल नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो हिंडनबर्ग करती क्या है, वो पहले किसी भी कंपनी को एक्सपोज करती है और फिर शॉर्ट सेलिंग में पैसा लगाती है। अदानी ग्रुप पे लगे एलिगेशंस यानी कि इल्जाम, आइए सुनते हैं क्या हुए। अदानी के 7 मेजर स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं। ये कई सेक्टर्स में हैं जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो एनर्जी रिन्यू करती है यानी सोलर प्लांट्स के जरिए, अदानी एंटरप्राइज जो कोल माइनिंग ट्रेडिंग करती है, अदानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अदानी टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है, अदानी पावर जो कोल से पावर जनरेट करती है, अदानी पोर्ट्स जो कि पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के लिए, अदानी विलमार जो कि एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की विलमार इंटरनेशनल के साथ। एक समय था जब अदानी सिर्फ गुजरात में ही राज करते थे और एक आज का टाइम ले लो कि वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर आप देखें कि अदानी को एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ मिली, ना कि सिर्फ इंडिया में, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत तेज़ी से सबसे अमीरों की लिस्ट में हासिल किया। 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ उन्होंने अपना नाम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नुकसान चालू हुआ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान चौथे पे आए, चौथे से 7वें पे आए, और जब ये वीडियो बन रही है तब उनकी पोजीशन है, और जब ये वीडियो बन रही है तो वो तीसरे नंबर के व्यक्ति आज 17वें नंबर पे यानी 17th पोजीशन पर आ चुके हैं। अदानी ग्रुप ने स्टॉक मार्केट में इस रिपोर्ट की वजह से अभी तक 118 बिलियन डॉलर का नुकसान खाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट यानी पेज नंबर 106 पे क्या लिखा है, चलिए समझते हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल है अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स
थर्ड रिचेस्ट मैन इज पोलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, मतलब कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड। हिंडनबर्ग ने बताया कि उन्हें 2 साल लगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। ये रिपोर्ट अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्सपेयर फंड, ऑफशोर सेल कंपनीज का बनना। इनके हिसाब से अदानी ग्रुप फोकस रही है इन 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से। अलग रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी साल 2004 से 2005 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था। ये 2 बार अरेस्ट किए जा चुके हैं फॉर्जरी एंड टैक्स फ्रॉड के लिए। बाद में इन्हें MD अनाउंस किया गया अदानी ग्रुप का। अगला आरोप लगता है गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर। कहा गया है कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर हैं। इन्हें बाद में प्रमोट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अदानीस ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के लिए। अगले नंबर पर गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी, ये अलग अलग कंट्रीज में गए, ऑफशोर सेल कंपनियाँ बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग करी। हिंडनबर्ग ने 38 यानी 38 ऑफशोर सेल कंपनीज पकड़ी है इनकी, जो कि मॉरिटस देश में थी, जिसे विनोद अदानी और उनके क्लोज एसोसिएट के हेल्प से हैंडल किया जा रहा था। और कई और टैक्स हेवन जैसे कि कैरेबियन आइलैंड में इनकी कंपनीज देखी गई। ये कहते हैं कि कई कंपनियां हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है, उन पर सिर्फ स्टॉक्स की पिक्स लगा रखी है, किसी की कोई एम्प्लॉय नहीं है। हिंडनबर्ग ये भी क्लेम करती है कि उन्होंने RTI भी फाइल करी थी SEBI के साथ, ये जानने के लिए कि ऑफशोर कंपनीज के फंड पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के या नहीं। ये कहते हैं कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लाइना के नाम से, जिसका एक टाइम पर 95 यानी 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर से बन रहा था, यानी $420 मिलियन इस कंपनी ने अदानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखे थे और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमीकॉर्प इनकॉर्पोरेशन सर्विस के द्वारा। और एमीकॉर्प ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था IMDB की इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में भी, जिसमें $4.5 बिलियन चुराए गए थे मलेशियन टैक्स पेयर से। ऐसे ही और भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं हिंडनबर्ग के द्वारा। अगर आपको इसकी भी हिंडनबर्ग की यानी पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। हिंडनबर्ग कहता है कि अगर अदानी हमारे 88 सवाल यानी 88 क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अदानी ग्रुप गलत नहीं है। अदानी ग्रुप का जवाब सुनिए, अदानी ग्रुप क्या कहता है। अदानी ग्रुप ने पहला जवाब दिया 27 जनवरी 2023 को। इस दिन उन्होंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी मिथ्स ऑफ सॉल्ट शेलर के नाम से। अपने रिस्पॉन्स में ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को मीट करते हैं और इनके रिव्यूज एंड क्रेडिट काफ़ी अच्छे हैं। इससे 2 दिन पहले 25 जनवरी को अदानी ग्रुप के CFO ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट को निकालने की टाइमिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि अदानी ग्रुप FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाले थे, तो ये रिपोर्ट अदानी की रेपुटेशन को गिराने के लिए अपलोड हुई थी। फिर डेट आती है 26 जनवरी। इस दिन ग्रुप की हेड लीगल उन्होंने हिंडनबर्ग को धमकी दे दी कि वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इसके रिप्लाई में हिंडनबर्ग कहता है ब्रिंग इट ऑन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लीगल एक्शन लेना है आपको लीजिए। आखिर हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्या है हिंडनबर्ग की इतनी कॉन्फिडेंस रहने की सच्चाई, आइए देखते हैं इनके कुछ पुराने रिपोर्ट्स। इससे पहले ये काम ये और भी कई कंपनीज के साथ कर चुके हैं, जैसे कि निकोला, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जीनियस ब्रांड, विंस फाइनेंस। 2017 से लेकर अभी तक ऐसी 16 कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग करी है और काफ़ी पैसा बनाया है। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला के खिलाफ ऐसी ही रिपोर्ट निकाली। उसके बाद क्या, निकोला के फाउंडर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव दोनों ने ही रिज़ाइन दे दिया। 2 साल बाद निकोला के शेयर में 71 यानी कि 71% की गिरावट देखी गई। मई 2020 में इन्होंने चाइना मेटल रिसोर्स के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसमें 90% से भी ज़्यादा इसके शेयर नीचे गिरे। जून 2020, अब जीनियस ब्रांड्स का नंबर, जीनियस ब्रांड की रिपोर्ट इन्होंने दी, जिसके बाद क्या होना था वही जो अब तक हुआ। इसके शेयर प्राइस $6.86 से, जो कि पर शेयर प्राइस था $6.86 पर वो पहुँच गया, और ये सिर्फ 2 महीने में हुआ। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स की वजह से हिंडनबर्ग चैलेंज करता है ओपनली, क्योंकि जो हमने आप लोगों को शुरू में ही बताया था हिंडनबर्ग के बारे में, अनकवर हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टिपिकल सोर्सेज, यानी सुई में धागा बिना देखे
डालना। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट बताती है कि 2020 के बाद लगभग 30 कंपनीज को इन्होंने टारगेट किया, नेक्स्ट डे 15% तक उन सबके स्टॉक्स गिर गए और 6 महीने बाद सारे स्टॉक्स 26% तक गिरे। निकोला के तो 43% इन्होंने शॉर्ट सेलिंग पे लगा रखे थे, जो कि बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। अदानी में कितने परसेंट स्टॉक है ये हमें अभी तक नहीं पता, आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। डेट आती है 29 जनवरी, इस दिन अदानी ग्रुप एक और काउंटर अटैक करता है। हिंडनबर्ग के 106 पेज के खिलाफ 413 पेज का ये अटैक होता है, सीधा 3 गुना ज़्यादा। ये कहते हैं कि सेलेक्टिव ऑन मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन करी गई है, यानी पब्लिक में एक फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए, पब्लिक को नेगेटिव करने के लिए और मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। साथ में इनका कहना है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये कहते हैं कि ये अटैक अडानी ग्रुप पे नहीं बल्कि भारत पे है। तो बताइए किसके किसके घर में बम फूटा। हमारे अडानी जी कहते हैं कि 88 यानी 88 सवालों में से तो 65 सवाल के आंसर तो जनता को ही पता है, तो जनता से पूछ लो, यानी कि पब्लिकली अवेलेबल है। बाकी के बचे 18 सवालों के जवाब पब्लिक शेयर होल्डर और थर्ड पार्टीज़ के हैं, जिनसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी बचे 5 क्वेश्चन, जो कि वो कहते हैं कि ये बेसलेस एलिगेशन है, यानी एक बेबुनियाद इल्ज़ाम। इसका रिप्लाई हिंडनबर्ग क्या देता है, चलो वो देखो। इसका रिप्लाई हिंडनबर्ग ये देता है कि उन्होंने हमारे किसी भी सवाल का जवाब दिया ही नहीं, जो कि सच है। हिंडनबर्ग ये कहता है कि अदानी ग्रुप बस यही बोल रहा है कि उनके पास गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल हैं और सारा डाटा पब्लिक में अवेलेबल है। हिंडनबर्ग ने कहा, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लॉटेड रिस्पॉन्स दैट इग्नोर एवरी एलिगेशंस वी रेज्ड। इस लाइन का मतलब है कि अदानी नेशनलिज्म यानी कि भारत का सहारा लेकर अपने सारे के सारे सवालों से बच रहे हैं। बल्कि हिंडनबर्ग क्या कहता है इंडिया के बारे में, वी बिलीव दैट इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन एमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। इस लाइन से ये तो पता चल ही गया कि भारत की पूरी तरह से तारीफ करी गई है। अटैक अदानी पर है, इंडिया पे नहीं। हिंडनबर्ग ने कहा कि अगर आप ये सब एलिगेशंस को एक बार भूल भी जाओ तो आप अदानी ग्रुप के फाइनेंस को देखो, आपको सारे के सारे शेयर्स 85% ओवर वैल्यूड ही मिलेंगे। इनके ऊपर और भी कुछ एलिगेशंस लगते हैं, जैसे कि फोर्ब्स कहता है कि अदानी ने अपने स्टॉक्स खुद ही खरीदे अपने स्टॉक्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए। क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये अदानी के बॉन्ड को एज अ कोलेटरल अब नहीं लेंगे, यानी अब उनको उनके बॉन्ड्स के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा। जीरो लैंडिंग वैल्यू टू अदानी ग्रुप्स। अदानी ग्रुप ने अपना FBO भी कैंसिल कर दिया। अदानी ग्रुप का अभी तक का लॉस $118 बिलियन का है। तो अब सवाल ये है कि क्या अदानी ग्रुप पूरी तरह से डूबेगा, तो चलिए सुनते हैं। अदानी ग्रुप पूरी तरह से नहीं डूबेगा, रीज़न बिहाइंड दैट क्या कारण है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अदानी ग्रुप पूरी तरह से नहीं डूबेगा क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कर रखा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उनके साथ है, तो अदानी ग्रुप को पूरी तरह से वो नहीं डूबने देंगे। डेब्ट स्ट्रक्चर ऑफ अदानी ग्रुप, अदानी ने सबसे ज़्यादा डेब्ट बॉन्ड के जरिए लिए हैं। इन बॉन्ड के अगेंस्ट फ़ौरन से पैसे लिए गए, विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अदानी ग्रुप के फिजिकल एसेट्स भी बहुत सारे हैं, जिसकी हेल्प यानी जिसके जरिए वो अपने आप को पूरी तरह से डूबने भी नहीं देगी। मैंने बोला पूरी तरह से। अगर अदानी किसी भी तरह इन सब मुसीबतों से बाहर भी निकल जाते हैं, तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू बाय एनी ऑफ अदानी स्टॉक्स। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का सारा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, जिसके पास इतना डाटा है कि वो अपने डाटा को खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो अपने स्टॉक्स खुद ही परचेज कर रहा है अपने स्टॉक्स के प्राइस को ऊपर उठाने के लिए, यानी स्टॉक्स मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऐसे में इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू बाय एनी ऑफ अदानी स्टॉक। आपके पास और भी कई ऑप्शंस हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए घुसते हैं, ना कि डुबाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा मिला हो तो आपको पता है क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।